पुलिस आ गई यहाँ पे। आप देख रहे होंगे कि बाइक का अगला टायर कहाँ गया। जी भगवान के पेट में वर्षा मारी काली माता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं अमर दिन ओडन राइडर स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज की ना ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं इस पेट्रोल पंप से। ये देखो भाई, ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और साथ में गुड टायर्स का, ब्रिजस्टोन टायर्स का एक शोरूम टाइप है। तो यहाँ से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे कि बाइक का अगला टायर कहाँ गया। बाइक का जो अगला टायर है, एक्चुअली मैंने जब बाइक ली थी और उसके 1500 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर मैंने टायर चेंज करवा दिए थे। तो मैंने टायर डलवाया था, अपोलो ट्रैम्पलर XR डलवाए थे, ऑफ रोड टायर डलवाए थे इसमें। तो पीछे का टायर तो सही है, अगला जो टायर है ना वो ढंग से घिसा नहीं, वो अनइवन वो घिस रहा है और उसके चलते जब भी बाइक का जो बबलिंग हो रही है खिल रही है, कंट्रोल थोड़ा सा कम फील हो रहा है मोड़ों पे खासकर। तो मैं सर्विस सेंटर में गया तो उन्होंने बोला कि सर है टायर की वजह से है। तो मेरे पास स्ट्रोक टायर बिल्कुल नए हैं, ये देखो ये लगा रखे हैं, बिल्कुल नए टायर्स हैं। तो ये मैं आज चेंज करवाऊंगा और उसके बाद देखते हैं कि इशू सोल्व होता है कि नहीं। अगर सोल्व हो जाएगा तो वो टायर की वजह से था, नहीं होता तो फिर आगे इधर साथ में ही सर्विस सेंटर है, फिर वहाँ जाके उनको बताऊँगा मैं। टायर चेंज करवाने के बाद में मुझे एक और जगह पर जाना है और वो मैं टायर चेंज होने के बाद आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ आज के ब्लॉग में। वहाँ पे हिमाचल में कहीं भी टू व्हीलर की अगर व्हील बैलेंसिंग करवानी है तो नहीं होती है, आपको चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में भी कोई करता नहीं है, ऑनलाइन तो मैंने चेक किया था तो कोई मिला नहीं, मे बी कोई करता होगा तो पता नहीं, बट दिल्ली में हो जाएगी। तो अब मेरा दिल्ली का चक्कर तो पता नहीं कब लगेगा, जब दिल्ली का चक्कर लगेगा तब देखते हैं, करवाऊँगा मैं इसकी व्हील बैलेंसिंग, बिकॉज मैंने ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा की है और मुझे लगता है कि करवाना जरूरी है। 10,000 किलोमीटर पे तो एटलीस्ट एक बार करवानी ही चाहिए। सो गाइस, अभी अगला टायर तो लगा दिया वापस, फिट कर दिया और पिछले टायर का चल रहा है काम। पिछला टायर अभी निकाल रहे हैं भाई और अभी ये चेंज होगा। अभी टायर लग चुके हैं वापस, अब मैं जा रहा हूँ ट्रायल के लिए, ट्रायल लेके आते हैं देखते हैं। कहाँ चले गए भाई, आते हैं तो पेमेंट करते हैं, चलते हैं उसका सर्विस सेंटर बोल के जाऊंगा कि सही लग रहा है मेरे को बबलिंग, मैं वैसे राइड करके आ जाता हूँ और शाम को आके आपके पास आऊँगा, एक बार देख लेना। हेलो कर दो। हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? हेलो, कैसे हो, नाम क्या है? नाम क्या भाई? इधर दिव्यांशी। दिव्यांशी कैसी हो? स्माइल कर दो, स्माइल कर दो। ये देखो कैमरे में आ रहे हैं आप। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं जा रहा हूं, आज बाबा बड़ो टेंपल है वो, तो वहीं जा रहा हूं और मेरे साथ में सभी जा रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर वो निकल चुके हैं, बस आगे वेट करेंगे मेरा। मेरे को टायर चेंज करवाने थे तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया ना, मेरा टायर का काम हो गया पर वो भी निकल गया आगे, तो आगे मिल जाएंगे, फैमिली ट्रिप भी हो जाएगा, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। और मैं बता दूँ, इस जगह से मैंने अपने धर्मशाला वाले ब्लॉग की शुरुआत की थी, और जिन्होंने धर्मशाला वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ से मैंने बोला था ना पहाड़ों को नज़दीक से दिखाऊंगा, वो धर्मशाला वाले ब्लॉग में था। पेट्रोल पंप दिखता तो मैं पेट्रोल डलवाऊँगा, बिकॉज आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा मेरे को पेट्रोल पंप, तो यहाँ पे हाईवे पे मिल जाएगा तो बेटर है। और नगरोटा के आगे से मुझे टर्न लेना है बाबा बड़ो के लिए ना। आ गया पेट्रोल पंप HP का, यहीं डलवा लेते हैं तेल, ठीक है। पेट्रोल ओके, फुल कर देना भाई। हाँ जी भाई ने बोली, तेल भी डलवा लिया, पानी भी पी लिया। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी ना हालत खराब करने वाली है, धीरे धीरे बढ़ रही है। शुक्र है मैंने जैकेट नहीं डाली, वो तो सही हो गया, सुबह थी ठंड। चलो सो ये जो बाबा बड़ो जी का मंदिर है ना, ये देवी दुर्गा और राधा कृष्ण जो वहाँ पे मूर्तियाँ हैं इस मंदिर में, और इसे बनाया था श्री बलिराम शर्मा जी ने,
जो कि भगवान शिव जी के भक्त थे। जो माँ दुर्गा जी की जो मूर्ति है वो धातु की बनी हुई है, और राधा कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो संगमरमर से बनी हुई है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ काहे है इधर, क्या हो गया? पुलिस आ गई यहाँ पे। ओहो, गाड़ी का एक्सीडेंट, भाई साहब बुरा हाल है इधर। गाड़ियों का ना दो टकराई है गाड़ियाँ, पुलिस आई है उनका मामला सुलझाने के लिए। अब किसकी गलती है ये तो इनको ही पता होगा, दोनों ड्राइवर उनको, दोनों गाड़ियों के। बड़ो 6 किलोमीटर है यहाँ पे मिला है बोर्ड, और समुंदर तल से 945 मीटर की ऊंचाई पे है समुंदर तल से प्लेस। ये क्या हो गया बस को, भाई साहब क्या हो गया, फंस गई क्या? टायर पंचर हो गया। कुछ तो इशू होगा स्कूटी वाले का ना। स्कूटी वाला बच गया, बस वाले ने साइड ही कर दी बस को, देखो कहाँ उतार दिया रोड से स्कूटी वाले को बचाने के चक्कर में। बस पड़ोस से धर्मशाला जा रही है बस, बची है वो की लंदे लग गया। अच्छा अच्छा, ये स्कूटी वाला भाई इसने बच गया। ए भाई देख के चलाओ। सो गाइस, मुझे लग रहा है हम पहुंच गए हैं बाबा पड़ोम ना। 1 किलोमीटर था नीचे से, तो अभी तो 1 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट होने वाला है, तो शायद यहीं कहीं होना चाहिए मंदिर को। ये है बस स्टैंड यहाँ का HRTC का ना, बड़ो का, रानीताल और बड़ो यहाँ से 1 किलोमीटर बता रहा है नीचे, 1 किलोमीटर बता रहा था बाबा बड़ो। जब आप आओगे तो आपको तो बड़ो चौक तक तो आपको HRTC की बसेस मिल जाएंगी, कांगड़ा से मिल जाएंगी, धर्मशाला से अभी रास्ते में एक बस आई, तो धर्मशाला से भी बड़ो के लिए सर्विस है बसेस की। ऐसा नहीं कि आप अपने खुद के व्हीकल से आ सकते हैं, कांगड़ा या नगरोटा से भी बसेस चलती होंगी बड़ो के लिए। कहाँ है, आंटी मंदिर को तू है थू? मंदिर तो गाइस ये कर दी पार्क अपने अपनी गाड़ी, और जो बाबा बड़ो जी का जो मंदिर है, चुल प्राचीन मंदिर है, वो आगे जाके है। जो बाबा बड़ो कुलदेवता जो है बाबा कालीनाथ जी, उनका मंदिर आगे जाके हैं, तो चलते हैं पहले उनके दर्शन करेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा मंदिर है, जो मैंने अपने ब्लॉग में आते टाइम बताया कि राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वो इस साइड है, वहाँ पे दिख रहा है, इसके उस साइड जाना पड़ेगा स्कूल के उस साइड में, तो वो वहाँ पहले उधर जाके आएंगे फिर वहाँ जाएंगे। सो चलते हैं गाइस। ये यहाँ के पुजारी जी हैं जो हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। ये सामने जो पिंडी है ना जी, ये शिवजी भगवान की पिंडी है और कुल देवता बोलते हैं इसको। सामने वो पिंडी सामने दिखाई छत्र जिसके ऊपर लगा हुआ है, ये कुल देवी काली माता है, काली माता को कुल देवी बोलते हैं। तो ये पास सामने तांबे की तस्वीर है दिखाई दे रही है, हाँ जी, इसमें शिवजी भगवान और काली माता है। अच्छा जी, शिवजी भगवान के पेट में वर्षा मारी काली माता, वर्षा इस करके मार रही है जब शिवजी भगवान की स्थापना कौरवा पांडवों के टाइम में इस मंदिर की ये छोटा जैसा मंदिर था कौरवा पांडवों के टाइम। उसके बाद ये 20 दरवाजे वाला मंदिर राजा संसार चंद ने बनाया, का विजय ध्यान सिंह था, उसने कोई गलती की उसको जेलों में बंद कर दिया। जब उसको जेलों में बंद किया तो उसने वहां से अरदास की कि बाबा बड़ो कालीनाथ कौन सा देवता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि मेरे को निर्दोष इन्होंने जेलों में बंद कर दिया है, तो मेरे को अगर जेलों से बाहर निकालेंगे तो 20 दरवाजे वाला मैं मंदिर बनाऊंगा आपके मंदिर में। जब वो बाबा जी के चिमटे अटड़ाता हुआ सारी जेलें वगैरह खुली होगी, और राजा संसार चंद को उसने सपना दे दिया कि तेरे भक्त जो है वजीर ज्ञान सिंह, उसने मेरे को अरदास की है 20 दरवाजे वाला मंदिर बनाऊंगा, अगर तैने वो मंदिर नहीं बनाया तो तेरा सारा राजभार सारा खत्म हो जाएगा और तेरा सारा खत्म।
तो बाहर उठ के देखता कि जेल सारी खुली है, वजीर ध्यान सिंह आ रही है। फिर उसने अंदर दौड़ के, बाबा जी अगर आप सच्चे हैं तो वजीर ध्यान सिंह मेरे पास इसी वक्त बुलाओ और मैं इसी वक्त आपकी सेवा में। जैसे वजीर ध्यान सिंह उसके पास खड़ा हुआ तो राजा संसार चंद ने उसी वक्त सारे जितने भी अपने कैदी थे और पब्लिक थी सबको लगा दिया वहां से, जितना भी यहाँ का पत्थर चूना वगैरह जो कुछ भी है सब गलेर का आया हुआ इस मंदिर बनने। जब ये मंदिर बन गया, मंदिर बनने के बाद गिरेना नाम जगह हुई, गिरेने की कोई रानी थी कहती है लोगों की, तो वो कहते हैं कि मेरे इलाके में इतना बड़ा मंदिर किसने बना दिया, तो मैंने ईट ईट का दिन निकाल देना सारे मंदिर। जब वहां से चले उसके साथ 10-15 हजार चले अपने गद्दी लोग चले, आते आते जब ये खड्डा खड्ड के पास जब पहुंची तो मंदिर सारा ही हिलने लगा, अभी गिरता कि अभी गिरता। तो उन्होंने काफी मतलब आके जो पुजारी थे उन्होंने दंडवत प्यारा की भगवान के पास, बाबा जी आप ऐसे करो कि आप प्रकट हो जाओ नहीं तो उसने सारा मंदिर उखाड़ के चल जाना। बाबा जी ने कोई सुनाई नहीं हुई तो जो पुजारी था उसने काफी दंडवत वगैरह की और आया या थड़े में आप उसने बोला कि मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। खड़े में सिर मारा जो सिर फट गया, जब सिर फटा खून निकला, जैसे सामने काली माता प्रकट होगी वो कहती है कि तेरे भक्त तेरे दराजे में खून दे रही हो तू ताड़ी ला के बैठा हुआ। जैसे शिव जी भगवान उठे वो रानी हो गई कि वही खत्म होगी। सारे गद्दी लोग मंदिर आके माफिया मांगी, उन्होंने माफिया मांगने के बाद आके उन्होंने सारे अरदास वगैरह की और यहाँ ये कुलदेवता इलाका पूरा मंडी का इलाका कुल्लू मनाली अपना गढ़ संकल नाड़ागढ़ ये सारा इलाका जरा इसको मानता है कुलदेव जी के नाम। और ये जो बोर्ड लगा है वहाँ पे उसमें भी एक पूरा स्टोरी लिखी हुई है जो बाहर उसमें ऐसे आए कि यहाँ शराब ही है नीचे और के बाकी आपने पढ़ी क्या लिखा उसमें? ये जो लिखा ना वो किसान जो थे उनकी स्टोरी लिखी हुई है बाहर, ये बोर्ड लगा रखा है कि उनको हल चलाते टाइम पिंडियां मिली, तीन पिंडियां मिली थी जब ये पिंडी सतपुरमा पांडवों के टाइम जब पिंडी की स्थापना हुई थी ना ये तो हल चला रहे थे ना जी, हल चलाते चलाते तीन पिंडियां निकली वहां से। उन्होंने क्या बोला कि एकदम उनका आकाशवाणी आई, उसने देखा नीचे सारा खून खून हो गया, लाल तराब बन गया, तो देखता कि अब मैं क्या करूं। तो उसको आकाशवाणी हुई कि आप ये तो आप ऐसे करो अपने झोली वगैरह और धोती वगैरह लगा के और आओ फिर इन पिंडियों को उठाओ। फिर उसने पिंडी तीन पिंडियां उठाई तीर्थ यात्रा के लिए चला। गरने का बूटा था बहुत बड़ा, उसमें वो टंगा जब रात को यहाँ रुका और ये ढूंढा इसमें आग वगैरह बुझाई, जब बुझ गया इसके बाहर अंदर गया वहां जब उसने चिमटा मारा बाहर निकाला तो 12 महीने पानी रहता वहां पर। और जब वापसी आया तो एक पिंडी यहाँ बैठ गई, तो उसने काफी उठाने की कोशिश की और पिंडी नहीं उठी गई। उसके बाद दूसरी पिंडी वहां कत्तू में बैठ गई, तीसरी बालकृपी में बैठ गई। ठीक है, धन्यवाद। अभी दर्शन करके आ गए हैं बाबा बड़ोद जी के जो प्राचीन मंदिर है वहां जाके आ गए। अभी मैं जा रहा हूँ राधा कृष्ण जी का जो माँ दुर्गा जी का जो मंदिर है वहाँ चलते हैं, जो कि जो मैंने अपने ब्लॉग में शुरुआत में बताया था कि पूरा वाइट संगमरमर से बना हुआ है। ये देखो सामने दिख रहा है मंदिर पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। व्हाइट मार्बल से बनी हुई है और जो कृष्ण भगवान जी हैं उनकी मूर्ति जो बनी हुई है वो ब्लैक मार्बल से बनी हुई है। तो जो मैंने अभी आपको दिखाई और अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर है माँ दुर्गा जी की मूर्ति, वो देख के आते हैं चल के। दुर्गा जी की मूर्ति है वो नीचे राधा कृष्ण जी की है, ऊपर माँ दुर्गा जी की है जो धातु की बनी हुई है, तांबे की बनी हुई मूर्ति है, वो मैंने आपको दिखाई। अब चलते हैं वापस। तो गाइस मंदिर के दर्शन कर लिए, अभी हम जा रहे हैं वापस घर के लिए और इसी के साथ में इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलता हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।